કડોદરા ખાતે કોંગ્રેસના યોજાયેલા એક કાર્યક્રમમાં કડોદરા નગરના ભાજપ સંગઠનના પૂર્વ હોદ્દેદાર ભગવાન ચૌધરી કોંગ્રેસમાં જોડાયા હતા. કોંગ્રેસની કંઠી બાંધનાર ભગવાનદાસ ચૌધરીએ ભાજપ વિરુદ્ધ હૈયાવર ઠાલવતા જણાવ્યું હતું કે મેં 30 વર્ષ સુધી ભાજપ માટે કામ કર્યું છે અને લાખો રૂપિયાનું ડોનેશન પણ ભાજપને આપ્યું છે, પરંતુ ભાજપે માત્ર તેનો ઉપયોગ જ કર્યો છે. मेरे को ले जाने वाले कन्नू भाई थे, शुक्ला जी थे, 12-12 टेम्पा मैंने एक एक दिन में भर के नहीं, जहां जहां पे इनकी मीटिंग होती थी बीजेपी वाले को मैंने भेजा था. आज तक उन लोगों ने ये नहीं बोला कि भाई क्या है, लेकिन मैंने अपनी मेहनत में ईमानदारी से सच्चाई के जब लोगों को बिमल पिए जो भी खाते थे पानी पीते थे, मैं ईमानदारी से बोलता हूँ भगवान की कसम मैंने अपने जेब से खिलाया. एक रुपया मेरे को ना आज तक अंगुन ने दिया ना किसी ने दिया. जितना भी फंड का पैसा जाता था यहाँ से भी तुम्हारे संगम से 45 लाख, श्री निवास से 65 लाख रुपया मेरे हाथों से गया था बिल्डर के. मैं सबके सामने बोलना चाहता हूँ, तुम्हें ईमानदारी से बोल रहा हूँ, ऐसी भ्रष्ट पार्टी छोड़ के नहीं. मैंने 30 साल काम किया, 30 साल वो लोग केवल मेरे पे मेरा उपयोग करते थे. इतना दुखी है कि मैं ईमानदारी से मास्टर उमेश मास्टर के साथ आया और कन्नू भाई को भी लेके आया, भाई जी पार्टी में नहीं रहना. भाई जी ईमानदारी थे, सच्चाई थे, लगन थे. मैं मेरी अंदर की आत्मा रोती है, जितना मैंने बीजेपी के लिए काम किया ना मैं आपके सामने नहीं बता सकता हूँ. इतना इन लोगों ने खाया, इतना खाया ना, एक दिन भगवान इनसे जरूर हिसाब लेगा, ये मेरा वायदा है. और लेना है ये आपका मौका है भैया, भाई चूक मत जाइए, सत्य में ध्यान दो. भारत माता की जय, भारत माता की जय.